हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में हिंदी के काफी महत्वपूर्ण पाठ जीत जीत में निरखत हूँ के 20 काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूं पाठ किससे संबंधित है? ए ऑप्शन है शंभू महाराज से, बी ऑप्शन है बिरजू महाराज से, सी ऑप्शन है लच्छू महाराज से, डी ऑप्शन है किशन महाराज से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ किससे संबंधित है, तो बिरजू महाराज से संबंधित है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है, जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? ए ऑप्शन है निबंध है, बी ऑप्शन है कहानी है, सी ऑप्शन है साक्षात्कार है, डी ऑप्शन है कवि है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जीत जीत में निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विधा है, तो साक्षात्कार है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 4 फरवरी 1938 को, बी ऑप्शन है 4 फरवरी 1937 को, सी ऑप्शन है 4 फरवरी 1936 को, डी ऑप्शन है 4 फरवरी 1930 को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1938 को हुआ था। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, चार नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है बांसुरी वादन से, बी ऑप्शन है तबला वादन से, सी ऑप्शन है कथक नृत्य से, डी ऑप्शन है संतूर वादन से। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो कथक नृत्य से है। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, पांच नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? ए ऑप्शन है 6ठी पीढ़ी के, बी ऑप्शन है 7वीं पीढ़ी के, सी ऑप्शन है 9वीं पीढ़ी के, डी ऑप्शन है 8वीं पीढ़ी के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, छह नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? ए ऑप्शन है डुमराव घराने से, बी ऑप्शन है बनारस घराने से, सी ऑप्शन है लखनऊ घराने से, डी ऑप्शन है दिल्ली घराने से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो लखनऊ घराने से था। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, सात नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? ए ऑप्शन है कथक, बी ऑप्शन है गरबा, सी ऑप्शन है कुचिपुड़ी, डी ऑप्शन है मणिपुरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो कथक शैली के नर्तक हैं। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, आठ नंबर प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? ए ऑप्शन है मौसा, बी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है पिता, डी ऑप्शन है चाचा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो चाचा जी थे। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, नौ नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या थी? ए ऑप्शन है दुर्गा, बी ऑप्शन है अनुराधा, सी ऑप्शन है रसीम, डी ऑप्शन है रमा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, तो रसीम थी। इसे आपको याद रखना है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दस नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस राज दरबार में नाचते थे? ए ऑप्शन है बनारस,
बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है सीतापुर, डी ऑप्शन है रामपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज एवं उनके पिता किस राज दरबार में नाचते थे, तो रामपुर के राज दरबार में नाचते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज अपना बड़ा जज किसे मानते हैं। ए ऑप्शन है अपने पिता को, बी ऑप्शन है अपनी माता को, सी ऑप्शन है अपने चाचा को, डी ऑप्शन है किसी को नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज अपने बड़ा जज किसे मानते हैं, तो बिरजू महाराज अपना बड़ा जज अपनी माता को मानते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किससे हुई। ए ऑप्शन है लूह से, बी ऑप्शन है तपेदिक से, सी ऑप्शन है कैंसर से, डी ऑप्शन है डायरिया से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज के पिता की मृत्यु किससे हुई, तो लूह से हुई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। ए ऑप्शन है 9.5 साल के, बी ऑप्शन है 10 साल के, सी ऑप्शन है 12 साल के, डी ऑप्शन है 13 साल के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, तो 9.5 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुआ था। ए ऑप्शन है जौनपुर में, बी ऑप्शन है कानपुर में, सी ऑप्शन है मैनपुरी में, डी ऑप्शन है देहरादून में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का अंतिम प्रोग्राम कहाँ हुआ था, तो मैनपुरी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। ए ऑप्शन है दिल्ली में, बी ऑप्शन है मुंबई में, सी ऑप्शन है कलकत्ता में, डी ऑप्शन है चेन्नई में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो ये दिल्ली में है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला। ए ऑप्शन है 1965 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1968 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1972 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला, तो 1965 ईस्वी में मिला, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। ए ऑप्शन है 30 वर्ष के, बी ऑप्शन है 37 वर्ष के, सी ऑप्शन है 27 वर्ष के, डी ऑप्शन है 20 वर्ष के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज कितने वर्ष के थे तो उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला, तो 27 वर्ष के थे तो मिला, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे। ए ऑप्शन है पिता का, बी ऑप्शन है माँ का, सी ऑप्शन है बहन का, डी ऑप्शन है मामा का। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 18 नंबर। यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे, तो माँ का मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिरजू महाराज की कितने संतानें थी, तो बिरजू महाराज के 2 संतानें थी, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि कुमार गंधर्व क्या है। ए ऑप्शन है गीतकार, बी ऑप्शन है शास्त्रीय गायन, सी ऑप्शन है कथाकार, डी ऑप्शन है चित्रकार। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि कुमार गंधर्व क्या है, तो शास्त्रीय गायन ही, से आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता चुके हैं,
हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। ए ऑप्शन है किरानी, बी ऑप्शन है ड्राइवर, सी ऑप्शन है मैनेजर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।